हेलो फ्रेंड्स, आई एम सर्वेश एंड टुडे आई विल टीच यू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आता है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर हम कुछ रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है हमारा रेक्टेंगुलर रूल। रेक्टेंगुलर रूल, आप इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन x0, xn, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, y x dx। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a b f x dx। इसका फॉर्मूला होता है h by 0 प्लस y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 y n माइनस 1। ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड लास्ट टर्म है। और h यहां पे क्या है? इंटरवल। इंटरवल हमें दिया भी हो सकता है, अदरवाइज हमें इंटरवल निकालना पड़ेगा। अब हाउ टू कैलकुलेट इंटरवल? h इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन पार्ट्स n, लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट ul कर देता हूं मैं यहां पे, ul माइनस ll, लोअर लिमिट अपॉन पॉइंट्स। अब क्वेश्चन में दो चीजें दी हो सकती हैं, या तो हमें पार्ट्स दिए होंगे, फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, या दिए होंगे कि 11 पॉइंट्स हैं, तो हम पॉइंट्स माइनस वन करेंगे। ये आप इसे नोट कर लीजिए। एक रूल में और कराता हूं आपको, फिर मैं उसके इनके क्वेश्चन बनाता हूं आपको। सेकेंड है हमारा ट्रेपोजाइडल, ट्रेपोजाइडल रूल। ये है हमारा x0, xn, fx, dx, लोअर लिमिट अपर लिमिट by x, dx। इसका फॉर्मूला है हमारा h अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस टू इंटू बाई जीरो बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री प्लस डॉट 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 वाई एन माइनस वन एंड प्लस वाई एन। आपको पता है h कैसे निकालते हैं, मैंने लास्ट रूल में बताया था आपको। अब आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। मैं आपको ट्रेपेजॉइडल का एक क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे आप रेक्टेंगुलर का अपने आप ही एक क्वेश्चन कर सकते हैं। इवेल्युएट विल द इंटीग्रल, लोअर लिमिट दिया है जीरो एंड अपर दिया है सिक्स, और फंक्शन की वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स सॉरी टू दिए dx यूजिंग ट्रेपोजाइडल। ट्रेपोजाइडल रूल विद x बराबर 1.0। अब यहां पर हमें h की वैल्यू गिवन है, सॉल्व करते हैं। अब हम इसकी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए कितने पार्ट करेंगे, 1.0 मतलब इंटरवल हमारा 1 का है, तो हमारे देखते हैं कितने पार्ट बनेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, यहां पर हमारे
सेवन पार्ट बनेंगे। स्टार्ट करते हैं, यहां पर लिखते हैं x और यहां पर लिख लेते हैं एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू में गिवन है कितनी, इस फॉर्म में लिख लीजिए चाहे तो आप, एफ एक्स की डायरेक्ट लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, यह हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, एक्स जीरो, एक्स जीरो बराबर जीरो दिया हुआ है, एक्स जीरो प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स जीरो की वैल्यू जीरो प्लस एक्स की वैल्यू वन दी हुई है, एक्स जीरो प्लस टू एच, जीरो प्लस वन इंटू टू हमारा हो जाएगा टू, इसी तरह एक्स जीरो प्लस थ्री एच हमारा हो जाएगा जीरो प्लस वन इंटू थ्री इजिक्वल टू थ्री हो जाएगा, एक्स जीरो प्लस फोर एच हमारा हो जाएगा जीरो प्लस वन इंटू फोर इजिक्वल टू फोर हो जाएगा, एक्स जीरो प्लस फाइव एच जीरो प्लस वन इंटू फाइव इजिक्वल टू फाइव, इसी तरह एक्स जीरो प्लस सिक्स एच हो जाएगा जीरो प्लस वन इंटू सिक्स इजिक्वल टू सिक्स। अब ये सब वैल्यू में फंक्शन में पुट करनी है, ठीक है, पुट करते हैं। अब हो जाएगा x की वैल्यू अगर जीरो है तो हमारा हो जाएगा जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस टू, वैल्यू आ जाएगी हमारी टू। इसी तरह f1 के लिए आ जाएगी वन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू, हमारी वैल्यू हो जाएगी फोर। f2 के लिए हो जाएगी हमारी टू स्क्वायर प्लस टू प्लस टू, हमारी हो जाएगी फोर सिक्स एट हो जाएगी। f3 के लिए हो जाएगी हमारी थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस टू, यहां पर हो जाएगा फोर्टीन। एफ फोर, फोर का स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू सिक्सटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी टू। एफ फाइव के लिए हो जाएगा हमारा फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव प्लस टू थर्टी टू। ठीक है, एफ सिक्स हो जाएगी हमारी सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस टू, हमारी हो जाएगी फोर्टी फोर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब ये वैल्यू में फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, ट्रैपेज़ॉइडल का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारा इस तरह से था कुछ, बाई एक्स बराबर एच अपॉन टू बाई जीरो प्लस टू वाई वन प्लस बाई टू प्लस डॉट 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 बाई एन माइनस वन प्लस वाई एन लास्ट टर्म। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, एच की वैल्यू में गिवन है वन अपॉन टू, बाई जीरो की वैल्यू हमारी आई है, इसे y0 भी लिख सकते हैं, y1 भी कर सकते हैं, y2, y3, y4, y5, y6। y0 की वैल्यू हमारी 2 है प्लस 2, y1 की वैल्यू हमारी 4 प्लस y2 की वैल्यू 8, ऐसे क्या होगी y3 की होगी कितनी है 14, 22 प्लस 32, ये हमारा सेकंड लास्ट है। और बाई एन माइनस वन कहा था तो यहां तक करेंगे और प्लस क्या करेंगे बाई एन 44। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी है, अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। वन अपॉन टू, टू प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स फोर्टी एट एंड एट्टी, टू इंटू एट्टी प्लस फोर्टी फोर हमारा हो जाएगा वन अपॉन टू, टू प्लस वन सिक्सटी प्लस फोर्टी फोर, यहां पर हो जाएगा हमारा वन अपॉन टू, ये हो जाएगा
206 वन अपॉन टू आंसर। थैंक्स।